स्टूडेंट्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन नंबर 15 टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 केजी एंड 20 केजी रेस्पेक्टिवली कैप्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड टू द एंड्स ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज इक्वल टू 600 न्यूटन इज अप्लाइड टू नंबर 1 बॉडी ए एंड नंबर 2 बॉडी बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस। हमें क्वेश्चन में गिवन है टू बॉडीज ए एंड बी, मासेज आर दिस 10 kg एंड 20 kg एंड बोथ बॉडीज आर अटैच्ड आर कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग। दोनों बॉडी इस तरह से हमारी एक स्ट्रिंग की हेल्प से ज्वाइन है एंड ए फोर्स ऑफ 600 न्यूटन इज अप्लाइड। क्वेश्चन में पहले कहता है कि हमारा फोर्स बॉडी ए पर अप्लाई होता है, दिस फोर्स 600 बॉडी ए पर अप्लाई होता है, देन बॉडी बी पर होता है अप्लाई। तो पहले केस में हमें क्या करना है, फर्स्ट केस में हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करना है। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस, दोनों ही केसेस में टेंशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, देखिए मास ऑफ बॉडी ए इज 10 kg एंड मास ऑफ बॉडी बी इज 20 kg। नाउ दोनों एक स्ट्रिंग से हमारी टाइड है दोनों बॉडीज इस तरह से, तो ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पर इसमें टेंशन डेवलप होता है। ऑन अप्लाइंग दिस फोर्स एफ इज इक्वल टू 600 न्यूटन, जब ये फोर्स हम इस पर लगाते हैं तो इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन डेवलप होता है, राइट। नाउ इस बॉडी का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी ए। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब आप जानते हैं कि बॉडी पर जितने भी फोर्सेज हैं उनको शो करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये दिस एफ इज इक्वल टू 600 फोर्स, राइट, एंड दिस टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये टेंशन इस ब्लॉक को पीछे कोशिश करता है पीछे ले जाने की, दिस टेंशन टी, एंड दिस वेट ऑफ द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड MEG एंड द नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस का बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन दिस, राइट, एक्शन और रिएक्शन हमने न्यूटन सल्लो में किया था। तो दिस इज वेट ऑफ द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द रिएक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस का बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन N। नाउ इस टोटल सिस्टम पर ये फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगता है, देयरफॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में हमारा इस सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा, राइट। नाउ द इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मूव करती है बॉडी, देयरफॉर इसके लिए हम न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, बॉडी पर टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, राइट। तो टोटल फोर्स इस पर देखते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं, तो दिस इज एफ माइनस टी, बिकॉज बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, देयरफॉर एफ इज ग्रेटर एंड हेंस नेट फोर्स इज एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ना बॉडी बी के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, बॉडी बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। तो बॉडी बी पर तो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है एंड दिस इज द वेट एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एन डैश, यहाँ पर हमारा नॉर्मल रिएक्शन एन था, यहाँ पर ही हमारा एन डैश या N1 कहें, ठीक है, बिकॉज मोशन इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही क्या कर रहे हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, टोटल फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, टोटल फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, जैसे एफ माइनस टी अपॉन टी इज इक्वल टू दिस एम ए इंटू ए अपॉन एम बी इंटू बी, ए से ही कैंसिल हो जाता है। तो एफ की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर, एफ इज इक्वल टू हमारा कितना था, दिस इज 600, ठीक है, 600 माइनस टी अपॉन टी एंड द मास ऑफ बॉडी ए इज 10 kg, मास ऑफ बॉडी ए इज 10 kg, दिस 10 kg हेयर एंड मास ऑफ बॉडी बी इज 20 kg, देन ऑन सॉल्विंग दिस इज 1/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज हेयर दिस टी इंटू टी, दिस टी इंटू 1 इज टी एंड दिस 600 माइनस टी इंटू 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो दिस इज 1200 माइनस 2t इज इक्वल टू दिस टी एंड हेंस दिस टी इज इक्वल टू 1200 अपॉन 3 इज इक्वल टू 400 न्यूटन। तो ये हमारा टेंशन आता है कितना, 400 न्यूटन। यदि बॉडी पर हम बॉडी ए पर फोर्स लगाते हैं तो ये टेंशन हमारा कितना है, 400। अब बी पार्ट में कहता है कि यदि इसी फोर्स को हम बॉडी बी पर लगाते हैं, 600 न्यूटन फोर्स को कहाँ पर लगा रहे हैं,
बॉडी पीपल लगा रहे हैं, इस तरह से बॉडी पीपल लगाते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है दोनों के बीच में, हमने सपोज किया इसमें टेंशन टीडस डेवलप होता है। अब स्ट्रिंग में ये टेंशन हमने सपोज किया टीडस होता है, कुछ अलग टेंशन बनेगा, ठीक है ना। बॉडी ए के लिए और बॉडी बी के लिए फिर अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे। तो पहले बॉडी बी के लिए लिख रहे हैं हम, फॉर बॉडी बी, बॉडी बी पर नेट फोर्स कितना होगा, दिस 600 माइनस टी डैश, 600 माइनस टी डैश, क्योंकि ये सिस्टम पूरा इसी डायरेक्शन में मूव करता है, जिस डायरेक्शन में ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स, तो इसी डायरेक्शन में मूव करता है, दैट्स वाई दिस 600 इज ग्रेटर माइनस टी डैश इज इक्वल टू दिस मास इंटू एक्सेलरेशन 20 इंटू ए। एंड नाउ फॉर बॉडी बी एंड दिस बॉडी ए, बॉडी ए पर तो केवल एक फोर्स लगता है टी डैश, ठीक है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को भी डिवाइड करते हैं, तो दिस 600 माइनस टी डैश अपॉन टी डैश इज इक्वल टू 20 ए अपॉन 10 ए, तो ऑन सॉल्विंग ए से ही कैंसिल हो जाता है, दिस इज 2। नब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज 2 अपॉन 1, तो दिस 1 इनटू 600 माइनस टी डैश, दिस इज माइनस टी डैश हियर एंड दिस इज टी डैश 2 इनटू टी डैश, तो दिस इज 2 टी डैश, देयरफॉर इस टी डैश को इधर लेकर आए तो दिस इज 3 टी डैश, देयरफॉर 600 अपॉन 3 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। तो यहां पर हमारा बॉडी बी पर फोर्स लगाते हैं तो कितना टेंशन आया स्ट्रिंग में, 200 न्यूटन आया, और बॉडी ए पर लगाया था तो 400 न्यूटन आता है। तो इस तरह से अलग अलग बॉडीज पर फोर्स लगाने से स्ट्रिंग के अंदर टेंशन अलग अलग प्रोड्यूस होता है, अलग अलग डेवलप होता है, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 5.16, टू मासेज 8 केजी एंड 12 केजी आर कनेक्टेड एट द एंड्स ऑफ ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली एज इन द फिगर। ये फ्रिक्शनलेस पुली, इसके ऊपर से ये हमारी एक स्ट्रिंग, इन एक्सटेंसिबल एंड लाइट, लाइट एंड इन एक्सटेंसिबल का मतलब इस स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है और ये इन एक्सटेंसिबल है, मतलब ये जब इसको खींचेंगे तो इसकी लेंथ इंक्रीज नहीं होती है, राइट। नाउ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मासेस आर रिलीज्ड। ये हमारा सिस्टम गिवन था, इसके अंदर ये पुली फ्रैक्शनलेस पुली एंड दिस मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड टू बॉडीज मास m1 इज इक्वल टू 8 kg एंड मास m2 इज इक्वल टू 12 kg इस तरह से फ्री एंड पर अटैच्ड है और ये इसके स्ट्रिंग इस पुली के ऊपर से पास होती है। क्या करना है हमें, सिस्टम का मतलब दोनों मासेस का एक्सेलरेशन फाइंड करना है और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कैलकुलेट करना है। तो हमने ये फोर्सेस अप्लाई किए, बॉडी का जो फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इस 12 केजी का वेट, 12 केजी का वेट दिस 12g एम इंटू जी होता है, 12g हो गया एंड द हेयर टेंशन टी, इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन टी डेवलप होता है। सिमिलरली इस बॉडी का जो वेट है m1 का वेट दिस इज 8 इंटू जी वर्टिकली डाउनवर्ड एंड टेंशन टी, क्योंकि यहां पर ये स्ट्रिंग हमारी एक है तो इसमें सभी जगह पर टेंशन सेम होगा, यहां पर भी टेंशन टी और यहां पर भी टेंशन टी। अब दिस मास m2 इज ग्रेटर देन m1 देयरफॉर दिस सिस्टम विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ये हमारा मास 12 केजी का कहां पर जाता है, नीचे जाता है, और ये मास m1 8 केजी कहां पर, ऊपर जाता है, क्योंकि ये हैवी है, 12 केजी इज मोर देन 8 केजी, तो ये सिस्टम इधर मूव करता है, ये ऊपर जाता है, राइट। नाउ टेंशन फाइंड करना है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, मास m1 के लिए, m1 इज इक्वल टू 8 केजी के लिए क्या करें, न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करें। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, टोटल फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m1 हमारा ये देखिए, इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, दिस 8g एंड t, बट बॉडी ये हमारी ऊपर जाती है, दैट्स व्हाई दिस t इज ग्रेटर एंड हेंस नेट फोर्स इज t माइनस 8g इज इक्वल टू 8a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, नेट फोर्स कितना है दिस t माइनस 8g, क्योंकि ये बॉडी हमारी ऊपर जाती है, देयरफॉर दिस t इज ग्रेटर, राइट। तो t माइनस 8g इज इक्वल टू 8a, दिस इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर मास m2, सेकंड बॉडी के लिए ले रहे हैं, दिस सेकंड बॉडी इज गोइंग डाउनवर्ड, देयरफॉर 12g इज ग्रेटर,
therefore net force is 12g - t. 12g - t is equal to 12a. This is equation number 2. Now on adding equation 1 and 2, दोनों को add करते हैं, तो this t से t cancel हो जाता है, t से t cancel, and this is 12g - 8g. 12g - 8 is 4g, and this is 12 + 8 is 28. Therefore, this a is equal to हमारा कितना है? 4 × 9.8 / 20. 4 × 9.8, g की value हम कितने ले रहे हैं? 9.8 होती है, तो this is upon 20 हो गया. Now, on solving this is 1.96 meter per second square. तो system का acceleration, मतलब दोनों masses का acceleration कितना है? This is 1.96 meter per second square. Now, on putting this value of A in equation number 1, equation number 1 के अंदर हम A की value को रखते हैं, then this T is equal to 8A + 8G. 8A + 8G. तो this is 8 is common, take outside this A plus G, and hence this A is equal to 9.8, this is 1.96, and G is equal to 9.8. ठीक है, A की वैल्यू हमारी कितनी है? 1.96, और G आप जानते हैं 9.8, दोनों को प्लस किया तो दिस इज 11.76 into this 8. तो ऑन सॉल्विंग दिस T is equal to 94.08 न्यूटन. तो इस तरह से हमने इस सिस्टम के अंदर क्या किया? नंबर वन तो एक्सेलरेशन फाइंड किया, दोनों मासेस का एक्सेलरेशन कितना आया? दिस इज 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड टेंशन कितना आया हमारा? T इज इक्वल टू दिस 94.08 न्यूटन. तो इस तरह से हम टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5.17. ए न्यूक्लियस इज एट रेस्ट In the laboratory frame of reference, then so that if it disintegrates into two smaller nuclei, the product must be emitted in opposite direction. हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, देखिए कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, दिस हैवी न्यूक्लियस एंड दिस इज एट रेस्ट. ठीक है, कहां पर है? लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखी है न्यूक्लियस. और क्वेश्चन में कहता है कि इफ इट डिसइंटीग्रेट का मतलब स्प्लिट होना, मतलब ये जो हैवी न्यूक्लियस थी ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो गई, दो पार्ट इसके बन जाते हैं, तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों के दोनों पार्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. हमें प्रूव करना है कि ये दोनों के दोनों पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. ठीक है, तो हमने सपोज किया आफ्टर डिसइंटीग्रेशन द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास m1 एंड सेकेंड पार्ट मास m2. पहले पार्ट की वेलोसिटी सपोज v1, सेकेंड पार्ट की वेलोसिटी सपोज v2. दोनों की वेलोसिटी हमने सपोज किया v1 और v2. नाउ आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? द टोटल मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जिस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है उसका टोटल लीनियर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होता है. तो यहां पर क्या है? यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका टोटल मोमेंटम हमारा कॉन्स्टेंट होना चाहिए. टोटल मोमेंटम कॉन्स्टेंट का मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर डिसइंटीग्रेशन और टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर डिसइंटीग्रेशन शुड बी इक्वल. This is total linear momentum before disintegration is equal to total linear momentum after the disintegration. ठीक है, ना disintegration से पहले तो ये हमारा address था. तो momentum आप जानते हैं, momentum is mass into velocity, this mass और इसकी velocity zero, mass into velocity is equal to momentum, total momentum after the collision, this is mass m1 plus v1. This is mass m1 into v1 plus m2 into v2, right? Velocity हमारी, direction हमें, मतलब vector लेना है यहाँ पर, ध्यान रखें. Now, this m into 0 is 0 हो गया, तो m1 v1 vector plus m2 v2 is equal to 0. And on solving this can be written as m2 into v2 vector is equal to minus. इस term को उठाकर इधर लेकर आए तो minus होता है. Therefore, this v2 is equal to v2 कितना आता है हमारा? This v2 is equal to minus m1 v1 upon m2. And here this negative sign
indicate that this v1 and v2 are in opposite direction. दोनों वेक्टर हैं, ये माइनस हैं, इसका मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में. हमें क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि दोनों के दोनों प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट हैं. ये पहले इसका ये था हमारा, ठीक है, और इससे ये दो बनते हैं, तो इनको प्रोडक्ट करें, इनकी अपोजिट डायरेक्शन में हमें प्रूव करना था वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी. तो हियर हमने प्रूव किया v2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 वेक्टर अपॉन m2. तो ये जो नेगेटिव साइन है, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट v1 and v2 are in opposite direction. ठीक है, तो इस तरह से प्रूव कर सकते हैं. आज के लिए केवल इतना ही. थैंक यू.